Hey guys, this is Fat Big Babov. Well, आज की जो वीडियो है वो मेरे सेकंड YouTube चैनल पे आने वाली है। आज हमें फेरेट का रूफ रैक इंस्टॉल करके दिखाने वाले कैसे इसको इंस्टॉल करना है। आपने मेरे प्राइमरी YouTube चैनल पे वीडियो देख ली होगी इस रैक की, जहाँ मैंने साइकिल लेके गया था एक बहुत ही एपिक लोकेशन पे, एंड दिखाया था कितनी सारी साइकिल इसके अंदर आ सकती है। जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करी थी अपने इंस्टाग्राम पे, तो आपने वहाँ पे देख लिया होगा ये वाला जो चीज़ है यहाँ पर मैंने रूफ रेल के पास ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया। बिकॉज जो अलग अलग होता है, ये आपके जो रूफ रेल आती है वो अलग आती है, नीचे का जो सेट आता है वो अलग आता है, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। एंड मैं आपको एक बार नीचे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक एलन बोल्ट दिख रहा होगा, ये जैसे आप स्लाइडिंग करेंगे इस एलन बोल्ट को टाइट करना होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाली जो चीज़ है मैंने आपको लगा के क्यों नहीं दिखाई। वेल दैट इज़ बिकॉज जब आप फर्स्ट टाइम इसको लगाते हैं तो आपको मेजरमेंट लेनी होती है, उस हिसाब से इसको बंद करना होता है। ये वाला जो रैक है इसमें आपकी फ्रंट एंड रियर अलग अलग होते हैं, इसमें मार्क्ड होता है। सो जो आपका रियर का रैक होता है ना, आपको पहले सबसे पहले इसको यहाँ ऊपर रख देना है। एंड यू जस्ट वांट टू नोटिस यहाँ मेरे रूफ रेल के रैक लगे हुए हैं, तो मैंने इसको यहीं पर लगा दिया, बिल्कुल यहाँ पे सेट हो जाता है मेरा ऑलरेडी मेजर्ड है ये वाली चीज़ें। फेरेट के साथ आपको एक मेजरिंग टेप भी मिल जाती है, जिसे आप मेजर कर सकते हैं कितना आपको लगाना है। अपनी अपनी गाड़ी के हिसाब से ही होता है। दिस काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल माउंट, बिकॉज मैंने नोटिस करा कि मेरे ब्रेजर में भी लग रहा है, देन मेरी स्विफ्ट में भी लग रहा था, एंड इवन एस्प्रेसो में भी लग रहा था। हाउएवर जब आप बाय करेंगे तो वहाँ स्पेसिफिक कार के आते हैं। ये वाला शायद टाटा हैरियर का था, एंड उन्होंने बोला था कि एस्प्रेसो में नहीं लगेगा, लेकिन मैंने जब लगाया था तो बहुत ईजीली लग रहा था। ना उसके साथ साथ मैं फ्रंट का भी लगा देता हूँ। हमने दरवाज़ा खोल दिया है गाड़ी का, एंड इसको यहाँ पर लगा दिया, अलाइन कर दिया है, एंड ये हमें यहाँ से टाइट करना पड़ेगा। सो फिर सी ओवर है, ये फेरेट ने बॉक्स भेजा है, सारी एक्सेसरीज ऑलरेडी होती है। साथ में ये थोड़े से वेदर स्ट्रिप्स भी हैं, ये मैंने इंस्टॉल नहीं करी है, इवन दो आई फाउंड आउट कि थोड़ा सा गंदे इसमें गिरता है। एंड ये वाली चीज़ें भी है, ये भी यहाँ लगती है, ये भी मैं नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ अभी। जब आप बाय करेंगे रैक, साथ में एलन की भी आपको मिल जाती है। दिस इज 6 mm एलन की, सो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर लेना है एंड इसको ऐसा करके टाइट कर देना है। सेम विद अदर रैक। ये बस उस तरफ के भी करने हैं, सच में इतनी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बस मेरे कैमरे में हैरान हो गया, मैंने तेरे को बताया था जल्दी शूट हो जाएगा, तभी तो मैं लेट कर रहा था। कोई बंदा अगर इसको अप्लाई भी कर रहा हो तो मेरे को तो लग रहा था आधा पौना घंटा लग जाएगा, तो बहुत। तो अब मुझे हार्डली 2 मिनट भी 3 मिनट लगते हैं मुश्किल से क्रॉस बार लगाने में, और अब तेको पता लग ही रहा है कितना फास्ट है ये। और ये तो अभी से बहुत कम यूज़ किया है मैंने ये रैक अभी तक। एज यू कैन सी ओवर यहाँ पे एलन कीज़ है, कोई भी 6 mm की एलन की ले सकते हैं, आपके लॉक खोल सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको एक की दी जाती है जो आपको फेरेट प्रोवाइड करता है। ऐसे आपको 2 की रखती मिलती हैं, एक आप गाड़ी में रख लो, एक आप अपने घर पे रख लो। एंड फेरेट के जो भी सामान होता है उसके साथ सारी कीज़ मिलती हैं। इवन एस्प्रेसो का आपने नोटिस किया होगा, मैंने एक रील भी बनाई थी, वहाँ पे लॉक नट्स थे, वो अगर आपको चोरी अलाउंस चोरी होने से बचाने हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से लॉक नट्स मिलते हैं। तो दीज आर दी कवर्स जो आपको लगाने हैं, इसमें पी एंड ए मार्किंग होगी, पी वाला आपको पीछे जाता है। ये आपने कुछ करा, ये फेरेट नहीं करके देता? नहीं नहीं, यही करा है। नहीं बट टी ए के नहीं, उन्होंने करके दिया पीछे आगे। हाँ फ्रंट बैक नहीं लिखेंगे वो लोग, पीछे आगे लिखेंगे। ओए हाँ, मैंने भी नोटिस नहीं किया, मैंने उससे बातें पूछा था, आगे पीछे सही में क्या। सो इसको बस आपको ऐसे करके लॉक कर देना है। नाउ एज यू कैन सी इसका ये लॉक हिडन हो चुका है, एंड अब कोई भी आपका जो एलन की से सील नहीं कर सकता क्रॉस बार। साथ ही साथ ये जो कैप्स हैं ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी अलग से लग जाती है फेरेट की। एज जस्ट सॉ मैंने यहाँ पे इजीली क्रॉस बार इंस्टॉल कर दिया है। अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे हार्डली आपको 2 मिनट्स लगते हैं इसको इंस्टॉल करने में। मैं सोच रहा हूँ इसको इंस्टॉल करके रखूँ, बिकॉज मैं ब्रेजर की लुक्स अच्छी आती है। अगर आप पीछे से दिखाएंगे ना डूड, एक्चुअल में हाइट इंक्रीज लगती है गाड़ी की। फ्यूचर में नोटिस करेंगे यहाँ पे थोड़े से एक्सटेंड होने हैं क्रॉस बार, ये मैं यहाँ पे कट भी कर दूंगा। दी आर द 3 racks दैट आई हैव। दिस इज आई गेस मारिया, सो दिस इज लाइक दी वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल रैक फ्रॉम फेरेट। Now this is the Pessigo and this is also the Pessigo. मेरे पास 2 Pessigo हैं, because मैं 3 cycles अपनी roof के ऊपर लगा सकता हूँ। So let's install the first rack over here. This is known as Maria. इसमें अगर आप notice करेंगे simple build है, I guess galvanized iron होना चाहिए, aluminium तो नहीं लग रहा, confirm नहीं है मुझे अभी तक। साथ में आपको अलग से bolt दिए जाते हैं, आपको यहाँ पे install कर देना है। These are also the lockable bolts, मतलब कोई भी इसको seal नहीं कर पाएगा। Now इसको लगाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो पूरा सारा खोल दो फिर लगाओ, लेकिन मैं आपको सीधा शॉर्टकट वे बताता हूँ। एंड साथ साथ हमें इस टूल की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मेरी हाइट थोड़ी यहाँ पे छोटी है। इवन दो मैं यहाँ पे खड़ी होकर भी कर सकता हूँ, लेकिन टूल ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। थैंक गॉड मेरा कैमरामैन 6 फुट का है, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी लगाने में। नाउ द थिंग इज दैट इसको मैंने पीछे से लिया, ये मैंने बोल्ट खोला आधा, एंड मैंने यहाँ पर सीधा ऐसे करके इसका नट टाइट कर दिया। बहुत ही ईजिली हो जाता है, दिस काइंड ऑफ गुड इनफ। पीछे का भी वैसे करेंगे, एंड यहाँ का भी हम ऐसे करेंगे। तो दिस इज द की दैट आई गॉट विद दिस मारिया रैक। एंड इसमें अगर आप नोटिस करेंगे दोनों की आपको सिमिलर सी लगेंगी, ये मैंने मेन वीडियो में बताई थी। लेकिन अगर आप ये जो रॉन्ग की है वो लगाएंगे, ये फिट नहीं होती है। लेकिन अगर आप मारिया की स्पेसिफिक की लगाएंगे ये फिट हो जाती है। तो दिस इज द केस, फेरेट काफ़ी क्लेवर है।
आपको सिर्फ इसको ऐसे करके टाइट कर देना है एंड आपका जो रैक है वो यहाँ पर क्रॉस बार के ऊपर लग जाएगा। Now this is the KTM bicycle that is specifically bought for this shoot and this rack. So let's just install this bicycle on a roof rack. अगर आपको इसका cost जाना है rack का तो आप main video पे checkout कर सकते हैं, वहाँ पर मैं exactly इसका cost बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे install करेंगे। तो हमें ये वाली bar लेनी है, थोड़ा सा extend कर देना है एंड साथ साथ इसको ऐसे करके बंद कर देना है। एंड दिस इज लास्ट स्टेप, इसको सिर्फ क्विकलीज को बंद करना है। दिस इज एज सिंपल एज क्लोजिंग योर क्विकलीज ऑन द फ्रंट व्हील। नाउ दिस आर द व्हील लॉक्स दैट आर प्रोवाइडेड इन द किट ऑफ द मारिया। इसका जो व्हील बेस है साइकिल का काफी लॉन्ग है एंड ये एक्सटेंड भी कर रहा है की तरफ, मतलब यहाँ तक ही आ रहा है, इसको यहाँ तक आना चाहिए रैक को। इंस्टॉलेशन करते हुए आपको ये ध्यान रखना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा गलत किया शायद, एंड ये आपको ऐसे करके टाइट कर देना है। नाउ लेट्स चेक द रियर स्ट्रैप एंड टाइटन दिस टू। देखो थिंग, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं मैंने साइकिल ऊपर लगा दिया, दिस इज काइंड ऑफ सिक्योर नाउ। लेकिन अगर आपको लगेगा यार ये तो साइकिल हमारे चोर ले जा सकते हैं, इस पर लॉक लगाना पड़ेगा, तो आपको जो फेरेट है वो ऑलरेडी ऑप्शन देता है लॉक लगाने का। मैं भूल रहा हूँ कौन सी की है इसकी, वो घुसा के देखें। तो यहाँ पर आपको नट टाइप का मिलेगा, नहीं ये रॉन्ग की है, दिस इज द राइट की। एंड इसको सिर्फ आपको एक बार ट्विस्ट कर देना है, दिस इज नाउ लॉक्ड एंड कोई भी चोर इसको खोल नहीं पाएगा। दिस इज द वे द बाइसाइकिल इज सिक्योर, द रैक इज सिक्योर ऑन द क्रॉस बार एंड जो आपकी क्रॉस बार है वो गाइड पे सिक्योर। As we just saw, मैंने साइकिल बाहर निकाल दी है। Now installing the bike on the rack and installing the rack, इसमें hardly आपको मुझे लगता है 10 minutes से कम ही लगेगा, मुझे लगता है 10 minutes से तो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपके crossbar वगैरह तो लगा ही होगा ना आपको। We just discussed के 5 से 10 minute लगेगा, even though I'm not recording the actual time, क्योंकि ये वाला rack मैं ज़्यादा use नहीं करता। So this is kind of quick, लेकिन इससे भी ज़्यादा quick एक rack आपको मिलता है, that is the Festigo। This has a better feature, एक single आपकी arm होती है, उसमें dual arm होती है। दिस ऑल्सो हैज दी कैपेसिटी के हिसाब से कोई भी फैट बैक लगा सकते हो, रोडी लगा सकते हो, ये तो उस पर भी लगा सकते हो, लेकिन दिस इज लाइक क्या यार, बेटर तो है, कैसे बताओ इसको बेटर रही है। इसमें एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज़ है, इसमें आपको क्विक रिलीज मिल जाता है। लेट मी जस्ट शो यू, जैसे उसमें हमने क्या किया, पहले अपने नट्स थे वो निकाले, अलग से की लगाई, टाइट करे, थोड़ा सा उस पर टाइम लग जाता है। एंड फर्स्ट टाइम जो बंदा यूज़ करता है, मैं तो बहुत मतलब मेरे को तो आदत है करने की, लेकिन जो पहली बार यूज़ करेगा उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड इसमें आपको दिखाता हूँ कितनी जल्दी इंस्टॉल होता है। आपको सिर्फ रैक रखना है पीछे की तरफ, यहाँ क्लिप घुस गई, यहाँ पर क्लिप घुस गई, ये आपको क्विक रिलीज दिख रहा है, इसको यहाँ टाइट कर देना है। ये दूसरा क्विक रिलीज है, इसको यहाँ टाइट कर देना है। जो पीछे वाला है उसको आपको यहाँ से टाइट कर देना है। दैट्स इट, आपका रैक लग गया। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। यहाँ पर आपको लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप इसको की लगाएंगे इसको ट्विस्ट कर देंगे आपको क्विक रिलीज लॉक हो जाता है एंड ये खुल नहीं सकता, गाड़ी हिल जाएगी, रैक नहीं हिलता। दिस इज अ रैक एंड दिस इज हाउ यू इंस्टॉल द बाइसाइकिल। यहाँ पर आपको एक टैब मिलता है, ये आपको दबाना है, आपका लॉक नीचे की तरफ हो जाता है। नाउ दिस इज ओपन, यहाँ पे आपको साइकिल डालनी है एंड जैसे ही आप इसको पीछे की तरफ करेंगे अपना लॉक होगा, देखना। दैट्स इट, यहाँ पर आपको एक टैब मिल रहा होगा, इसको अगर और टाइट करना है आपको तो यहाँ पर इसको आपको ऐसे करना है एंड ये टाइट हो जाता है। इसमें भी आपको लॉकेबल फीचर मिल जाता है, आप जैसे इसको की से टाइट कर देंगे ये लॉक हो जाएगा, आपकी साइकिल कोई नहीं निकाल सकता। दिस इज हाउ सिक्योर द लॉक इज दोनों में। द लास्ट स्टेप इज टू लॉक द व्हील्स एंड इसमें और भी इजी है, उससे ज़्यादा इजी है। यहाँ पर आप लोग सीधा ये लगा दो, लॉक हो गया पीछे का। ये भी स्लाइडेबल होते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। मैंने अपनी मेन वीडियो में दिखाए थे क्या इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, हाइट इश्यूज जो होते हैं, सारी चीज़ें मैंने मेन वीडियो में कवर करी है, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको इस रैक के बारे में प्रॉपरली पता लग जाए। आई हैव बीन यूजिंग दिस रैक, आई लव दिस रैक एंड आई गेस जो मेरी KTM है उस पर रैक भी काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, डेफिनेटली लुक्स काइंड ऑफ मॉडर्न। एंड सेकेंडली अगर आपको रूफ रैक लेनी है उसका बिलिंग मैं आपको दे दूंगा नीचे, जो बाइक रैक्स हैं उनके बिलिंग्स आपको नीचे मिल जाएंगे एंड जो मेन वीडियो है उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है उसको लाइक कर सकते हैं, मेरे सेकेंडरी चैनल एंड प्राइमरी चैनल दोनों सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दिस फैट ब्रेक ऑफ साइनिंग ऑफ।